शैम्पू में मिला लें बस ये दो चीजें, फिर आपके बाल होंगे बहुत तेजी से लंबे, घने और सिल्की। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सना खान, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सना आयुर्वेदा पर। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और न्यू वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी टिप्स जो आपके बालों को बनाएगी हेल्थी, शाइनिंग और सिल्की, साथ ही आपके बालों को करेगी बहुत तेजी से लंबा और घना। और इसकी कमाल की बात यह है कि ये रेमेडी बहुत ही इजी है, इसे फॉलो करना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं इस रेमेडी को कैसे बनाना है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहले चीज चाहिए वो होंगे 2 चम्मच चावल। यहाँ पे मैं 2 चम्मच चावल ले रही हूँ। अब आपको यहाँ चावलों को अच्छे से वॉश करना है, पानी से अच्छे से धोना है, ताकि इसकी जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए और हमें चावल का फिर बेनिफिट मिले। तो मैं इसे धो लेती हूँ। इसे धोने के बाद आपको इसे रात भर के लिए भिगोना होगा, क्योंकि जो चावल का पानी होता है वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है और बालों की ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो मैं इसे धो लेती हूँ। ये देखिए, धोने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर पानी डालना है, और पानी डालने के बाद आपको इसे रात भर के लिए ऐसे ही रखे रहने देना है। जब आप इसे रात भर के लिए ऐसे ही रखे रहने देंगे तो सुबह ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको इस पानी को छान कर अलग कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे चावल का पानी चाहिए। देख रहे हैं आप कि यहाँ पे चावल के पानी का कलर चेंज हो चुका है, जैसा कि हमें चाहिए। अब आपको यहाँ पे चावल के पानी को अलग निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं एक कटोरी में इस चावल के पानी को निकाल लेती हूँ। दोस्तों, चावल का पानी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि चावल के पानी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, जिसे इनोसिथोल कहते हैं, जिसकी वजह से बाल मजबूत होते हैं, बाल घने होते हैं और बालों में एक लचीलापन बना रहता है, जिससे बाल सिल्की शाइनी नजर आते हैं। और चावल के पानी से, चावल को धोने से चावल कंडीशनर होते हैं, इसे बालों में लगाने से बालों पे एक कुदरती चमक आती है जो कि बहुत प्यारी लगती है। तो अब जो सेकंड चीज आपको इसमें डालनी है वो होगा टी ट्री का एसेंशियल ऑयल। यहाँ पे मैं टी ट्री वाला एसेंशियल ऑयल यूज कर रही हूँ, क्योंकि यह बालों के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण आपके बालों को साफ रखने और उन्हें हेल्थी बनाने में मदद करते हैं। जब स्कैल्प साफ रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आपके बाल हेल्थी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, लंबे, घने और मजबूत भी होंगे, और बाल होंगे तेजी से लंबे। यहाँ पे मैंने टी ट्री का 3 ड्रॉप यूज करा है। यहाँ पे मैंने 3 ड्रॉप डाले हैं इस पानी के अंदर। इसके बाद जो सेकंड चीज जो आपको चाहिए होगी वो होगा शैम्पू। जो भी आप शैम्पू यूज करते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जो आपको सूट करता हो, आप वो शैम्पू यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच शैम्पू का यूज कर रही हूँ अपने बालों के हिसाब से। बाकी आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको इसमें कितना शैम्पू ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच शैम्पू को इस पानी के अंदर मिला देती हूँ। दोस्तों, ये शैम्पू अब बिल्कुल रेडी हो चुका है यूज करने के लिए। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, हम उस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। जैसे आप शैम्पू यूज करते हैं वैसे ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन आप क्या करते हैं, शैम्पू लगाते हैं और वॉश कर देते हैं, लेकिन इसमें आपको ये नहीं करना। आपको इस शैम्पू को अपने सर में 3 मिनट तक लगे रहने देना है और स्कैल्प पर उंगलियों की मदद से मसाज करनी है। इससे बाल धोना है, फिर आपके बालों में एक नई चमक मिलेगी आपको। 1 वॉश में ही आपको इसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। इसका यूज आपको 1 वीक में 2 टाइम्स करना है, यानी 2 बार आपको 1 हफ्ते में सर को इस शैम्पू से धोना है। इसके यूज से आपके बालों की बहुत सारी दिक्कतें खत्म होंगी। बालों को झड़ना, टूटना रुकने से साथ साथ बालों में जमा हुआ ऑयल भी खत्म होगा,
जिससे आपके बाल तेजी से लंबे, घने और सिल्की होंगे। तो दोस्तों काफी अच्छी रेमेडी है, इसे फॉलो करिए और इसका रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर करिए। आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टिप्स के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। और जाते जाते कहना चाहूंगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप मुझे व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मैं चलती हूँ, मेरा होता है जाने का वक्त। तो जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।